हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, और हमने ये देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का है। वन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज माइनस आई इफेक्ट, एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं, फिर से हमने इसमें देखा था कि रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी एटम और एनी ग्रुप, रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी एटम और एनी ग्रुप, लेकिन ये अट्रैक्शन किस पे होगा? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अगर ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप का रेट ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में या हाइड्रोजन की रेट ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होता था, उस टाइम पे हम बोलते थे इस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट। इसी तरीके से जब हमने प्लस आई इफेक्ट की बात की, तो हमने वहां पे ये बोला था कि अगर रेट ऑफ अट्रैक्शन किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप का, रेट ऑफ अट्रैक्शन मैं बोल रहा हूं, कम होगा किसके कंपैरिजन में? रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये अट्रैक्शन किस पे हो? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अगर सेम सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपके पास एटम है एक साइड या ग्रुप, दूसरे साइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एटम या ग्रुप की रेट ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो, उसको बोलेंगे प्लस आई। या इसी चीज को हम उल्टा करके बोल सकते हैं, अगर रेट ऑफ अट्रैक्शन के बदले में रेट ऑफ डोनेशन किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप का ज्यादा होगा, रेट ऑफ डोनेशन किसके रेट ऑफ डोनेशन से? हाइड्रोजन के रेट ऑफ डोनेशन से। लेकिन डोनेट या अट्रैक्ट क्या चीज हो रहा है? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी जाके हम प्लस आई इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का था, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई को नाम दिया था हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए अब आज क्या हम करने जा रहे हैं, आज हम यहां पे कुछ स्पीशीज लिखने जा रहे हैं, कुछ ग्रुप्स लिखने जा रहे हैं, कुछ एटम्स लिखने जा रहे हैं जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं और प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो आइए यहां पर हम ये याद रखेंगे, द decreasing order of minus I effect shown by some of the species is as follows। तो आइए देख लेते हैं कुछ स्पीशीज जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे एनआर थ्री पॉजिटिव ग्रेटर देन एनएच थ्री पॉजिटिव, या इससे पहले भी आप याद रख सकते हैं एन एफ थ्री पॉजिटिव। तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। मैं फिर से बता रहा हूं, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। मैं चाहता हूं अभी देखते देखते ही आपको ये पूरा याद ऑर्डर हो जाए, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, उसके बाद CN, उसके बाद COOH। तो रिपीट अगर मैं करूं तो पहले NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, CN, COOH, उसके बाद आप याद रखेंगे F, Cl, Br, I, F, Cl, Br, I। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ये एक, उसके बाद आप याद रख सकते हैं NO2 CN COOH, NO2 CN COOH, उसके बाद आप याद रख सकते हैं F Cl Br I, उसके बाद आप याद रख सकते हैं O5 कोर कूर और कोर, O5 कूर और कोर, व्हाट इज मेंट बाय दैट? ये देख लीजिए, O5 phi means phenyl group, that means O phenyl, that means phenoxy group, O5 कूर और कोर, कूर means C O O R in ester, उसके बाद ओ आर, उसके बाद सी ओ आर,
ठीक है, तो अगर मैं रिपीट कराऊं, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, फिर NO2 CN COOH, फिर FClBRI, फिर O5 कूर और कॉर। सो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। इसके बाद आप याद रख सकते हैं SH SR OH NH2, ध्यान रखना SH SR OH NH2, SH SR OH NH2। तो एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो हम कैसे पढ़ेंगे, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ये तीन पहले, उसके बाद NO2 CN COOH, ये तीन बाद में, उसके बाद FClBRI यानी ये चार बाद में, उसके बाद O5 कूर और कॉर, दैट मींस ये चार, उसके बाद SH SR OH NH2 यानी ये चार, एंड फाइनली आप याद रख सकते हैं अल्काइन फिनाइल एंड अल्कीन। मतलब ये ऐसे ग्रुप्स है जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की सलाहियत, सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की सलाहियत इन सब की ज्यादा है देन हाइड्रोजन, दैट मींस ऑब्वियसली हाइड्रोजन इनके बाद होगा। यानी अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूं इन सब का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा कौन करेगा, एन एफ थ्री पॉजिटिव इस इन एग्जाम्पल्स में, उसके बाद एन आर थ्री पॉजिटिव, फिर एन एच थ्री पॉजिटिव, फिर एन ओ टू, फिर सी एन, फिर सी ओ एच, फिर एफ सी एल बी आर आई, फिर O5 कूर और कॉर, उसके बाद SH SR OH NH2, फिर अल्काइन बेंजी सॉरी फिनाइल एंड देन व्हाट वी कॉल अल्कीन। सो ये एक ऑर्डर आप याद रखेंगे, ये हमें आगे चल के बहुत काम आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि माइनस आई कौन दिखाते हैं। नाउ अब आते हैं प्लस आई की तरफ। नाउ अब हम यहां पे लिख सकते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर The decreasing order of minus I effect shown by some of the species minus I, sorry, ये तो minus हमने लिखा, plus I, shown by some of the species is as follows. अब हम प्लस आई की तरफ ध्यान देंगे कि प्लस आई कौन कौन से दिखाते हैं। लाइक आप याद रख सकते हैं सी एच टू हैविंग ए नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन एन एच हैविंग ए नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन ओ हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो पहले ये तीन आप याद कर सकते हैं, सी एच टू नेगेटिव, एन एच नेगेटिव, ओ नेगेटिव। उसके बाद आप याद कर सकते हैं इसके अलावा सी ओ ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये चारों मिला के अगर आप एक साथ याद करें सी एच टू नेगेटिव, एन एच नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड आफ्टर दैट सी ओ ओ नेगेटिव। उसके बाद टर्शरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल ग्रुप की सिंपल एग्जांपल सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड लाइक दिस, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, सिंपल एग्जांपल टर्शरी अल्काइल की। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल इज लाइक दिस। उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, उसके बाद जीरो डिग्री अल्काइल या आप इसको मिथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है ट्राइटियम एंड देन ड्यूटेरियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यू नो दैट, ठीक है। सो ये कुछ स्पीशीज का प्लस आई ऑर्डर है, बट दिमाग में रखना है, देखो अल्काइल जब भी दिमाग में आए अल्काइल ग्रुप्स ऑलवेज शो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं वापस आऊं, ध्यान रखना, गौर से समझना, अगर मैं माइनस आई की बात करता हूं जो माइनस आई दिखाते हैं, देखिए आप यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, आप अच्छे से देखें, ध्यान दें यहां पे, ये पार्ट, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, आई मीन टू से दीज आर द कैटायंस, ठीक है। रिमेंबर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जितने भी यूनिवर्स में हैं, जितने भी इस कायनात में हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं, अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई। तो ये पहला पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे वो होगा माइनस आई इफेक्ट। आइए अगर मैं यहां पे देख लूं, देखिए
अगर आप एन आयंस की बात करते हैं या नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज की बात करते हैं, देख लीजिए, एन आयंस की बात करते हैं या नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज की बात करते हैं, आप इनको देख सकते हैं, तो एन आयंस हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे वो होगा माइनस आई के बदले में प्लस आई इफेक्ट. सो कैट आयंस हमेशा क्या दिखाएंगे, माइनस आई. एन आयंस हमेशा क्या दिखाएंगे, प्लस आई. इसका मतलब हम यहां पे इस तरीके से जा सकते हैं. अब हम यहां पे क्या नोट करके रखेंगे अपनी जगह, हम लिखेंगे ऑल कैट आयंस शो माइनस आई इफेक्ट. हम ये दिमाग में बिठा के रखेंगे, जितने भी कैटायंस हैं वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और ऑल एन आयंस शो प्लस आई इफेक्ट. तो एन आयंस जितने भी होंगे वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट. एक बार फिर से यहां पे आप नजर मारें, देखें जब हमने ये ऑर्डर लिखा, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर था माइनस आई का. माइनस आई में आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाले ग्रुप्स जो थे वो थे आई मीन से कैटायंस. कहने से माइनस आई पावर ऑफ एनी कैटायन, माइनस आई पावर ऑफ एनी कैटायन इज मोर, माइनस आई पावर ऑफ एनी कैटायन इज मोर देन एनी न्यूट्रल स्पीशी. आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कैटायन भी होगा आपके पास न्यूट्रल स्पीशी भी होगा. अगर इन दो में आपको देखना है कि माइनस आई, सपोज न्यूट्रल स्पीशी भी माइनस आई शो करता है, कैटायन भी माइनस आई शो करता है, तो इन दो में आपको देखना कि कौन ज्यादा माइनस आई शो करेगा, किसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा. याद रखना, माइनस आई पावर ऑफ एनी कैटायन इज ऑलवेज मोर than any neutral. Similarly, अगर आप यहां पे जाएंगे, आप देख रहे प्लस आई यहां पे है. So can I say plus I of any anion is always greater than any neutral species. Plus I of any what we call anion is greater than, किससे ज्यादा होगा ये, than any neutral species. ठीक है, तो हम यहां पे ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं. क्या हम यहां पे नोट कर सकते हैं, हम बोलेंगे माइनस आई पावर ऑफ एनी कैटायन इज मोर देन एनी न्यूट्रल स्पीशी. पर जब मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, इसका मतलब समझने की कोशिश करें, मैं कैटायन और न्यूट्रल स्पीशी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीशी ऐसा होना चाहिए जो माइनस आई दिखाए. कैटायन तो दिखा ही रहा है माइनस आई, तो जब दोनों का माइनस आई आप कंपैरिजन करेंगे न्यूट्रल के कंपैरिजन में, न्यूट्रल के माइनस आई के कंपैरिजन में, कैटायन का माइनस आई पावर हमेशा ज्यादा होगा. इसी तरीके से प्लस आई पावर ऑफ एनी एन आयन इज मोर देन एनी न्यूट्रल स्पीशी. तो ये पॉइंट्स आप अपनी जगह दिमाग में अच्छे से बिठा के रखें. नाउ अब अगर मैं ये चीजें आपको इस तरीके से दे रहा हूं, ध्यान रखना, मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन बना लेता हूं. मैं बोलूंगा आपको, क्वेश्चन इज लाइक दिस, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज को यहां पे नए से लिख लेता हूं मैं, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर. ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं. पहला जो है
वो है एफ सी एल बी आर एंड आई. समझने की कोशिश कीजिएगा. आपके पास एफ सी एल बी आर और आई है. सपोज ये एफ जुड़ा है किसी चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ, सी एल जुड़ा है कार्बन चेन के साथ, बी आर जुड़ा है कार्बन चेन के साथ, आई जुड़ा है कार्बन चेन के साथ. लाइक अगर ये सी है इसके साथ एफ जुड़ा है, से फॉर एग्जाम्पल सी है इसके साथ सी एल जुड़ा है, सी है इसके साथ बी आर जुड़ा है, सी है इसके साथ आई जुड़ा है. ठीक है, आपको यह बताना है कि एफ सी एल बी आर आई की वजह से कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन व्हाट वी कॉल चले जाएंगे टुवर्ड्स एफ सी एल बी आर और आई, कहां पे वो चले जाएंगे दूर इन कार्बन से. कार्बन से दूर जाना मतलब कहां वो जाएंगे टुवर्ड्स दीज हेलोजन, कहां पे ज्यादा जाएंगे, ये किस पे डिपेंड करता है. सिंपल सी बात है, आइए ध्यान रखना. वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than chlorine. Chlorine is more electronegative than bromine. Bromine is more electronegative than iodine. Why? Because on moving from top to bottom, top se leke bottom tak, we know that from top to bottom, electronegativity jo hai wo decrease ho jati. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाए, सपोज सेम बॉन्डिंग पेयर के साथ ये फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा है, ये बॉन्डिंग पेयर है, यहां फ्लोरीन लगा है, ध्यान रखना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना सिग्मा. ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन भी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन भी करेगा, आयोडीन भी करेगा. ज्यादा कौन विड्रॉ करेगा? ज्यादा विड्रॉ फ्लोरीन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा, फिर आयोडीन करेगा. इन शॉर्ट इनमें किसका ज्यादा व्हाट वी कॉल माइनस आई पावर होगा. तो क्या मैं ये बताऊं इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई पावर फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा. इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेम बॉन्डिंग पेयर के साथ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो, तब उस टाइम पे हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि माइनस आई पावर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. माइनस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिमिलरली अगर अब एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे, एफ है, उसके बाद एक ग्रुप है OH, उसके बाद एक और ग्रुप है NH2, बट ध्यान रखना यहां पे मैं जनरली ऐसे कुछ डैश डाल देता हूं इसके सामने, ये ऐसे बॉन्ड बना लेता हूं. बॉन्ड का मतलब ये बेसिकली जुड़ा है किसके साथ? कार्बन चेन के साथ. सिमिलरली यहां Cl था, यहां Br था, यहां I था. इसी तरीके से अगर ये F की बात मैं करूं, OH की बात करूं, NH2 की बात करूं, देखिए यहां पे भी कौन जुड़ा है? F. यहां कौन जुड़ा है? O. यहां कौन जुड़ा है? N. और इनके साथ जो H है ना, H इलेक्ट्रॉन देता है ना छीनता है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी कॉल इंडक्टिव इफेक्ट. तो हम क्या सोचेंगे? F कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, O कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, N कार्बन चेन के साथ जुड़ा है. वंस अगेन सेम रीजन, हम ये बोलेंगे यहां पे भी जो माइनस आई पावर होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट विच इज अटैच टू कार्बन चेन. इसका मतलब यहां पर भी ऑर्डर इस तरीके से होगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं NH3 पॉजिटिव की और मैं बात करूं यहां पे NF3 पॉजिटिव की, ध्यान रखिएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है. दैट मींस यहां और यहां एलिमेंट सेम है, चार्ज भी सेम है, यानी चार्ज डेंसिटी भी सेम ही होगी, बिकॉज चार्ज मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है और साइज जिन एलिमेंट्स पे ये पॉजिटिव चार्ज है वो भी सेम है. दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और साइज जब दोनों सेम है, रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाय साइज, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में. दैट मींस वो दोनों सेम ही है. नाउ द क्वेश्चन इज, यहां एन पॉजिटिव है, इसके साथ क्या जुड़ा है? एच. यहां एन पॉजिटिव है, इसके साथ क्या जुड़ा है? एफ. ध्यान रखना यहां पर आपके पास एन पॉजिटिव है और इसके साथ में है H. ध्यान रखिएगा इसके साथ में है H. H क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है ना विड्रॉ करता है. लेकिन यहां पे मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही समझाने के लिए ये तीन चीजें यहां पे डाल रहा हूं. नाउ अब देखो, पहले ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज था. ठीक, जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा
towards itself from nitrogen, ये fluorine भी withdraw करेगा, ये fluorine भी withdraw करेगा. जब fluorine nitrogen से electron छीनेगा, fluorine की तरफ electron चले जाएंगे, displace होंगे. But what about this nitrogen? Nitrogen पे fluorine की वजह से positive charge और बढ़ जाएगी. Because fluorine nitrogen से electron withdraw करेगा, दूसरा fluorine withdraw करेगा, तीसरा withdraw करेगा. मैं नहीं दिखा रहा हूँ fluorine पे क्या होगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि nitrogen पे क्या होगा. Already positive charge था, और positive charge आ गया. अब मुझे बताओ दोनों का net charge जो है वो अब पहले के comparison में बढ़ा कि नहीं बढ़ा. That means magnitude of charge जो NF3 positive पे है as compared to NH3 positive वो किस पे ज्यादा होगा? NF3 positive पे magnitude of positive charge ज्यादा. जितना magnitude of positive charge ज्यादा होगा उतना वो sigma electron carbon chain के sigma electron को अपनी तरफ ज्यादा withdraw कर सकता है. इसका मतलब ये हो गया, अब मैं इसको rub कर दूं, इसका मतलब ये हो गया, आप आराम से देख लेना. क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज फाइनली बिकॉज ऑफ एफ किस पे ज्यादा आया? एनएफ थ्री पॉजिटिव पे. इसका मतलब यह हुआ कि ये एनएफ थ्री पॉजिटिव जो है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ विदड्रॉ कर सकता है. सो ऑर्डर विल बी लाइक दिस. सो हम क्या यहां पर बोलेंगे? हम बोलेंगे माइनस आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, या माइनस आई पावर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड of positive charge. It's directly proportional to magnitude of positive charge. लेकिन magnitude of positive charge किस वजह से हुआ? यहां पे positive charge का magnitude क्यों बजा बड़ा? It is because of these fluorines. ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. Next, अगर मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं, question fourth, ध्यान दीजिएगा. अगर आपको इस तरीके से दिया जाए NH3 positive और आपको दिया जाएगा NO2, पहले समझ ले, ये NH3 पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस ये एक रियल चार्ज्ड स्पीशी है, रियल चार्ज्ड स्पीशी है. ठीक, और यहां पे NO2 का असली स्ट्रक्चर अगर आप इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू, यानी इस स्ट्रक्चर को हम यूं भी देख सकते हैं, इट्स लाइक दिस. या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या आप इसको यूं बना लेते हैं. दैट मींस ये फॉर्मल चार्जेस आपने दिखाई, यानी NO2 पे भी चार्ज है बट दिस इज फॉर्मल चार्ज. बट यहां क्या है? रियल चार्ज. यहां पे क्या है? ये फिर एक फॉर्मल चार्ज्ड स्पीशी है. ठीक, रिमेंबर फॉर एवर माइनस आई पावर, मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस आई पावर of real positively charged species is always greater than minus I power of formal positively charged ya formal charged species. ध्यान रखना बेटा, आज के बाद आप क्या याद रखें कि अगर एक जगह पे रियल चार्ज है, दूसरी जगह पे फॉर्मल चार्ज है, रियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज में जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा वो होगा रियल पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशी. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज क्वेश्चन नंबर फाइव की मैं बात करता हूं. ठीक, मैं बोलूंगा आपको अगर आपके पास सी एन है, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक, ये कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, आपके पास सी एच डबल बॉन्ड एन एच है, ये कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, देखो ये कार्बन यहां से जुड़ा है कार्बन चेन के साथ, आपके पास सी एच टू एन एच टू है, ये कार्बन चेन के साथ जुड़ा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज आपके पास ये कार्बन चेन है, ठीक है, और इसके साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा है, सेम कार्बन चेन है, सेम बॉन्डेड बॉन्डिंग पेयर है. अब इसके बदले में यहां सी एच डबल बॉन्ड एन एच है, समझना, सेम कार्बन चेन है, अब यहां पे सी एच टू एन एच टू है. अब ध्यान रखना, आपका सारा ध्यान इस वाले बॉन्डिंग पेयर पे होना चाहिए जिसको मैं अब यहां पे रेड से दिखा रहा हूं, रेड कलर से मैं ये शो कर रहा हूं. आपको बताना है यहां पे ये सी एन
या CHNH या CH2NH2, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विथड्रॉ करेगा? आइए, इस चीज के लिए हमें ऑलरेडी पता होता है दैट दिस कार्बन इज sp hybridized, we know that, and this carbon which is attached to carbon chain is sp2 hybridized, and this carbon which is attached to carbon chain is sp3 hybridized. Isse kya hoga? Kyunki hybridization different, yahan 50% s character hai is carbon ka, kyunki iski hybridization sp2 hai, sp hai iska, yahan pe is carbon ka hybridization sp2 hai, that means iska s character 33.33% hai. इतना आप सब बच्चों को आता होगा. नाउ यहां पे 25% एस करेक्टर है. नाउ रिमेंबर, ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होता है क्या, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस या व्हाट वी कॉल एस करेक्टर. जितना ज्यादा ज्यादा परसेंटेज किसी की ज्यादा होती है एस की, उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है. इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस. सो इन शॉर्ट, मोर द एस करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी माइनस आई पावर. सो ऑर्डर विल बी लाइक दिस. सो CN का माइनस आई पावर ज्यादा होगा देन CH डबल बॉन्ड NH, इसका ज्यादा होगा देन CH2NH2. रीजन इज सिंपल हाइब्रिडाइजेशन, रीजन इज सिंपल S करेक्टर, बिकॉज S करेक्टर मोर द S करेक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज याद रखें, आपके पास इस तरीके से एक ग्रुप दिया है जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है CHO, दूसरा दिया है C डबल बॉन्ड NH, मतलब इस तरीके से, तीसरा दिया है CH डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई डबल बॉन्ड है. दैट मींस अगर कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपने तरफ. इसका मतलब अगर मैं आंखों को समझाऊं तो मैं बोलूंगा आंखों के हिसाब से इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगी. उतनी ही नेगेटिव चार्ज जितनी इस पे पॉजिटिव चार्ज, उतनी ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जितनी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. बट हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. कहने का मतलब है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. कहने का मतलब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ध्यान रखना बेटा, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट एट वेरी सेम टाइम नाइट्रोजन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. दैट मीन्स कार्बन से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मगर जितना ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा उतना नाइट्रोजन नहीं करेगा. यानी जितना ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना नाइट्रोजन नहीं खींचेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब है यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, एंड सिमिलरली यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा. बात समझ आ रही है? आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. अब मगर इसकी मैं बात करूं, यह तो एक नॉन पोलर स्पीशी है, यह तो नॉन पोलर स्पीशी है बिकॉज यहां डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों एलिमेंट्स जिनके बीच में वो है वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. कहने का मतलब है ये पोलर है, ठीक, ये भी पोलर है, मगर यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, यहां ज्यादा, दैट मींस ये मोर पोलर है और ये इसके कंपैरिजन में लेस पोलर है. रिमेंबर जितना मोर पोलर स्पीशी होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बिकॉज यहां पे कार्बन जो कार्बन चेन के साथ जुड़ा है वो पॉजिटिवली चार्ज है. सो मोर पोलर में अगर आप देखोगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा. इन नटशेल मैं ये बोलूंगा, ध्यान रखना बेटा, इन नटशेल मैं ये बोलूंगा क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऑर्डर ऑफ माइनस आई विल बी लाइक दिस. आई होप यहां ये सारी चीजें क्लियर हो रही है. नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सामने रखूं, दैट विल बी सिंपली, अगर मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप मुझे बताएं ये NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, अब यहां पे NH2 है और H के बदले में R है, अल्काइल ग्रुप है, तो रिमेंबर R इज नॉट इक्वल टू H, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है. सिमिलरली यहां पे NHR2 है विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक. अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इनमें क्या होगा माइनस आई इफेक्ट. देख लीजिए, अगर मैं पहले की बात करूं, सो इट इज लाइक दिस, यहां पे H, H और H है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है, यहां पे H है, H है, लेकिन साथ साथ में R भी है. अब यहां पे क्या है, यहां पे है N, यहां पे H है और यहां पे 2R है. Now, listen carefully. देखिए बेटा, हमें पता है H जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, मतलब वो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना छीनेगा. कहने का मतलब है जितना भी यहां पहले पॉजिटिव चार्ज था उतना ही है. बट यहां पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या होगा, अब ये R इलेक्ट्रॉन देगा. जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन देने से यहां पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगी. जब स्लाइट नेगेटिव चार्ज यहां आई, अब पहले पॉजिटिव था फिर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हुआ, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया चार्ज, ठीक है. तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना लेता हूं, पहले के कंपैरिजन में ये छोटा हो गया. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस आर. नाउ अब यहां देख ले बेटा, यहां पे ये R भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये R भी इलेक्ट्रॉन देगा. कहने का मतलब है जो पहले हमारे पास यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज था, अब इसको दो दो साइड से, दो दो R से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. जब दो दो R से इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज यहां R की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रही थी, यहां दो दो R की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी. नतीजा ये होगा कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ और भी कम होगा. आप देख रहे हैं मैंने पॉजिटिव चार्ज और कम किया. अब एक एक करके आप देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना जितना यहां R बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ H, उतना उतना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा. जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को कम विड्रॉ करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पे है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा. सो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस, NH3 पॉजिटिव जो है, NH3 पॉजिटिव, दिस इज NH3, NH3 पॉजिटिव का ज्यादा माइनस आई पावर होगा देन NH2 पॉजिटिव एंड R एज कंपेयर टू NHR2 हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप ये देखेंगे, यानी या तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देखना है, या तो आपको देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे, या तो आपको देखना है एस करेक्टर के बिना पे, या तो आपको देखना है कि क्या ये चार्ज रियल चार्ज है कि ये फॉर्मल चार्ज है. सो ऑन दैट बेसिस आपको ये करना पड़ेगा, या आपको कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नंबरिंग खुद से कर लीजिएगा, या एक मिनट में यहां पर देख लू, हमारा 7th नंबर था ये, तो अब हम यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं. 8th वाला इस तरीके से, आपको NO2 दिया जाएगा और आपको F दिया जाएगा. कॉमन सेंस यूज करें आप, ये NO2 है, न्यूट्रल है, F न्यूट्रल है, मगर NO2 का असली स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको शो किया, इज लाइक दिस और इट्स लाइक दिस. दैट मींस इस पे क्या है, इस नाइट्रोजन पे जो पेरेंट चेन के साथ या कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो कोई भी चार्ज है नहीं. चाहे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज हो या रियल पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमेशा वो चार्ज स्पीशी न्यूट्रल से ज्यादा माइनस आई शो करेंगे. दैट मींस इट इज लाइक दिस, माइनस आई ऑफ NO2 विल बी ग्रेटर देन F. नाउ द क्वेश्चन इज 9th इज लाइक दिस. अब अगर आपको इस तरीके से दिया जाए NH3 पॉजिटिव एंड NR3 पॉजिटिव, अभी आपने देखा हमने इस तरीके से किया, हमने देखा ये N है, यहां पे H है, ये H है और ये H, इस पे पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। अब यहां एन है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। हमें यहां पे ऐसे लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये आर इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगी और नेट चार्ज जो है वो कम हो जाएगी। नेट चार्ज जब कम हुई, यहां पे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे NH3 पॉजिटिव का माइनस आई पावर NR3 पॉजिटिव से ज्यादा है। लेकिन जब हम ऑर्डर देखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया, वो ऑर्डर ऐसा नहीं होता है, वो ऑर्डर होता है यूं। नाउ यहां पे अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, होना चाहिए था NH3 पॉजिटिव ज्यादा माइनस आई पावर दिखाना एज कंपेयर NR3 पॉजिटिव, लेकिन NR3 पॉजिटिव क्यों दिखाता है NH3 पॉजिटिव से ज्यादा पावर। अब इसको समझने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैं बोलूंगा ये N, H, H और H है विद ए पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा N, R, R और R है हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। We know कि हाइड्रोजन जो है ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनके बीच में थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो रिपल्शंस होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में मैं अगर आर बोलूं, मैं बोलूंगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, आर इज बल्की, ग्रुप, ये एक बल्की ग्रुप है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। आपको पता है जब भी हम किसी भी एक से फॉर एग्जांपल ऐसी सीट पे बैठे ठीक जिसमें तीन बंदे आ सकते हैं, और अगर मेरे जैसे तीन बंदे हैं तो हम आराम से सपोज बैठ पा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, मैं उड़ गया, मेरी जगह पे एक ऐसा बंदा आया जो एक बहुत ही बल्की बंदा था, मतलब मेरा डबल था। जब वो बैठेगा, जो बंदे इससे पहले मेरे साथ बैठे थे वहां पर कोई भी अनकंफर्टेबल वो फील नहीं कर रहे थे, या कश्मीरी में जिसको सेल बोलते हैं वो नहीं फील हो रहा था, लेकिन अब मेरे बाद जब मैं निकला और मेरी जगह पे मेरे डबल साइज का कोई बंदा आया, नाउ वो थोड़ा सा कश्मीरी वाला सेल फील करेंगे। दैट मींस कि अगर रिपल्शन या व्हाट वी कॉल कश्मीरी में सेल जिसको बोलेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो ये तभी जाके मुमकिन है या ये पॉसिबल है जहां बल्की ग्रुप्स हो। देखिए बेटा अब यहां पर क्या है, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप है, ये तीनों बल्की ग्रुप्स क्या है, ये एक ही नाइट्रोजन के साथ अटैच है। नतीजा ये होगा, इस बल्की ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस बल्की ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस बल्की ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शंस होंगी, यानी इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शंस होंगी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्या, स्टेरिक रिपल्शन। उस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं ये चीज रब करूं, मैं ये बोल सकता हूं इन NR3 पॉजिटिव स्टेरिक रिपल्शन टेक्स प्लेस, यस और नो, स्टेरिक रिपल्शन टेक्स प्लेस। अगर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, ध्यान रखना, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये आर आपस में रिपल कर रहे हैं, नतीजा यह होगा कि ये दूर रहना पसंद करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो ये दूर रहना पसंद करेंगे, और जब ये दूर रहना पसंद करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सो याद रखना, इन NR3 पॉजिटिव स्टेरिक रिपल्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अब उससे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आपको ऑलरेडी अगर मैं इस तरीके से बताऊं, देखिए आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कोई स्पीशी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सपोज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सपोज कार्बन है। जब sp हाइब्रिडाइज कोई कार्बन या कोई स्पीशी है, इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री, यहां पे क्या है 120 डिग्री। इतना तो आपको ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग में होगा। नाउ यहां पे क्या है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, फिलहाल ये 28 मिनट्स को हम हटा देते हैं, 180 120 19 अगर मैं दिमाग में बिठा दू, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब यहां से मैं परसेंटेज ऑफ एस देख रहा हूं, ये 50%, यहां पे 33.33%,
यहां पे 25%, तो आप चेक कर सकते हैं, एस करेक्टर को आप अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे 25% है, यहां 33.3 और यहां पे 50%. अब देखो जब आप यहां से यहां जा रहे हैं, अब देखो एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, एट द वेरी सेम टाइम बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर या परसेंटेज ऑफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. व्हाई? बिकॉज एस करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. बट वी नो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर. If it is like this, दोनों को कंबाइन करके मैं क्या मैं ये बोलूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. यानी जितना जितना बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है किसी जगह, उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस टाइम बढ़ जाती है. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे बात कर लूं, जो अभी मैं यहां पे बता रहा था इन NR3 पॉजिटिव स्टेरिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है. मैंने अभी आपको एक और यहां पे समझाने की कोशिश की कि अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे फिर यहां पे कंप्लीट सेंटेंस क्या करेंगे? हम बोलेंगे NR3 पॉजिटिव में चूंकि रिपल्शन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा, देयरफॉर शाबाश बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. तो इन शॉर्ट ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है एज कंपेयर टू ये नाइट्रोजन. दैट इज वाई NR3 पॉजिटिव का माइनस आई पावर NH3 पॉजिटिव के माइनस आई पावर से ज्यादा होता है. तो आइए, ये था 9th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे. अगर आपको दिया जाएगा OH और आपको दिया जाएगा OR, R यहां अल्काइल है, दैट मींस ऑब्वियसली ये कार्बन यहां पे है और हाइड्रोजन से, बिकॉज अल्काइल क्या मतलब होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही तो है. तो बट कार्बन और हाइड्रोजन में वो कौन सा एटम है, कार्बन है कि हाइड्रोजन है, कौन सा एलिमेंट है जो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है? ऑब्वियसली कार्बन. याद रखेंगे बेटा, जब OH बॉन्ड की बात करें और O कार्बन की बॉन्ड की बात करें, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा. जब मैं यहां पे OH की बात करता हूं और OR की बात करता हूं, याद रखना OH बॉन्ड और OR बॉन्ड में कौन ज्यादा पोलर होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. या छोड़ दीजिए, वो चीज छोड़ दीजिए, हमें ये यहां पे ये देखना है कि माइनस आई किसका ज्यादा होगा. हम इस तरीके से समझ लेंगे, क्या आपको पता ये OH है और OH में यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन पे, बट ये लोन पेयर किस में है, ऑर्बिटल में. सिमिलरली यहां पे OR है, इस O पे भी ये लोन पेयर है, कहां है, ये भी ऑब्वियसली ऑर्बिटल में है. समझना, ऑक्सीजन ज्यादा उसका साइज नहीं है, इसका मतलब ये स्मॉल साइज स्पीशी है और स्मॉल साइज स्पीशी के साथ में H होगा, बिकॉज जितना साइज छोटा होगा किसी एलिमेंट का, उतना जो उसके साथ दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी ये जो बॉन्ड लेंथ है, उतनी ऑब्वियसली वो कम होगी. दैट मींस ये ऑक्सीजन के नजदीक एक बल्की ग्रुप है. ये क्या है, ये एक बल्की ग्रुप है, समझना. तो जब ऑक्सीजन के नजदीक एक बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप क्या कर सकता है, से फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्बिटल मैंने दिखाया, तो ये बल्की ग्रुप इस ऑर्बिटल, बल्की ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ यहां रिपल्शन दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखा सकता है. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. किसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ bulky ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. चूंकि ये नजदीक है इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. नतीजा क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चूंकि R ऑक्सीजन के नजदीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, तो R जब ऑक्सीजन के नजदीक है, R के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन होता है. नतीजा आप यूं समझ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, कि आप यह बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये स्लाइटली शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम ऑक्सीजन. सिमिलरली यहां पे भी, इस वाले में भी, अगर यहां पे भी मैंने ये लोब्स वोब्स बराबर नहीं दिखाए, बट समझने के लिए, इट्स नॉट कि ये एक ही ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन्स है, ये अलग ऑर्बिटल में दो है और दूसरे ऑर्बिटल में दो है. तो यहां पे भी सेम यही रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन स्लाइटली, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली ऑक्सीजन से, स्लाइटली यानी कि अपना ऑर्बिटल छोड़ के स्लाइटली ऑक्सीजन से दूर जाएगा. जब स्लाइटली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो जाएगी, तो क्या मैं बोलूं इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. So it is
that oxygen which is having a partial positive charge due to repulsion. ठीक है, so नतीजा क्या निकलता है, जब partial positive charge इस पे आया तो इसका minus I power OR का OH के comparison में ज्यादा होता है. हम generally कैसे सोचते थे, हम बोलते थे R इसको electron देगा, इसकी electron density बढ़ेगी, but आप देखो हकीकत में इसकी electron density बढ़ नहीं रही है, यहां repulsions ज्यादा dominating factor है, तो ये repulsions की वजह से इस पे partial positive charge आ जाता है, जिसकी वजह से OR का minus I power ज्यादा होता है देन OH. इसी तरीके से हम यहां एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर सेम SH होगा और SR होगा, तो अब ऐसे ही सेम एक्सप्लेनेशन आप देना स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलते हैं SR का ज्यादा होगा देन SH, लेकिन जब देखा जाता है SH का ज्यादा होता है देन SR. सुन लीजिए वजह क्या है, ये देख लीजिए, ये S है, ये H है, इसके पास भी लोन पेयर है, सिमिलरली ये S है, ये R है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट ध्यान रखना क्योंकि ये जो सल्फर है, ठीक, इसका साइज जो है, इट्स लार्ज साइज्ड या लार्ज साइज्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सल्फर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, जो ये बॉन्ड लेंथ होगी ये ऑब्वियसली ज्यादा होगी देन ओआर बॉन्ड लेंथ. क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो मैं ये क्या बोलूंगा, यहां पे बॉन्ड लेंथ जो है इज मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ओआर. क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो R अब सल्फर के नजदीक नहीं है, दूर है. जब R सल्फर के नजदीक नहीं है, दूर है, दैट मींस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, R के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सल्फर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन नहीं होगा. रिपल्शन जब नहीं होगा तब सिर्फ एक ही फैक्टर यहां इन्वॉल्व हो रहा है, यहां पे कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं, एक ही है, एंड दैट फैक्टर इज दिस, ये आर इस एस को इलेक्ट्रॉन देगा. जब आर ने बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दिया, बिकॉज व्हाट इज आर, आर इज अल्काइल, एंड अल्काइल शो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देगा. जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पे आएगी स्लाइट नेगेटिव चार्ज. अब देखो ये सल्फर, इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर न्यूट्रल, ठीक है. सो न्यूट्रल सल्फर और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी में कौन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव होगा वो कहां और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये न्यूट्रल है, इसलिए SH इज हैविंग मोर माइनस आई पावर देन SR. ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको ये समझाया कि प्लस आई ऑर्डर और माइनस आई ऑर्डर क्या है, उसको आप जुबानी याद रखने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए कि किस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस में जो है अपना लॉजिक, अपने कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बल्कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक फील्ड इफेक्ट है, ये पूरा देखना पड़ता है ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्पेस में, इसमें क्या क्या फैक्टर्स है. तो इसलिए आप सारे से एक एक करके लॉजिकली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाया लॉजिकली, अगर याद रहे अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, आप रिवाइज करते जाएं और इस ऑर्डर को, प्लस आई और माइनस आई ऑर्डर को जुबानी याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज ये हमें आगे चल के क्वेश्चंस में काम आएगा. सो आज के लिए हम इतना ही यहां पे पढ़ लेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.